अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मैकगिल कैंप के छठे दिन फलस्तीनी और इसराइल नवाज मुजाहिरीन आमने सामने। क्योबेक के वजीर आला का कहना है कि पुलिस को कैंप को ख़त्म करना चाहिए। फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन की तादाद में नुमाया इजाफा। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव ऑन्टेरियो के दोनों ज़मनी इंतखाबात जीत गए। मिल्टन से जी हामिद कामयाब। डग फोर्ड का कहना है कि ऑन्टेरियो के लोगों के लिए सख्त मेहनत करते रहेंगे। इन्वायरमेंट कनाडा की जानब से टोरंटो में बारिश की पेशनगोई। वीकेंड पर शहर का मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को। हफ्ते के रोज़ शहर में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान। चीन, तुर्किया, यूएई और सऊदी अरब में बारिशों ने तबाही मचा दी। अनकरा में शदीद बारिश से सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकज में मैकगिल यूनिवर्सिटी के बाहर दो मुखालिफ मुजाहिरों का सामना हुआ, जहां एक हफ्ते से फलस्तीनियों के हामी कैंप कायम है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकज में मैकगिल यूनिवर्सिटी के बाहर दो मुखालिफ मुजाहरों का सामना हुआ, जहां एक हफ्ते से फलस्तीनियों के हामी कैंप कायम है। कैंप में तुलबा मैकगिल से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल से कारोबारी ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलहदगी इख्तियार कर लें। ये कैंप शेरब्रोक स्ट्रीट पर यूनिवर्सिटी के सामने वाले बड़े लॉन में कई हज़ार मुरबा मीटर की जगह पर है। ये 20 खेमों के साथ शुरू हुआ था और इख्तिताम हफ्ते से इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। हर रात वहाँ कैंप लगाने वालों के अलावा बहुत से हामी हर रोज़ दिखाई देते हैं। जुमेरात को कैंप के जवाब में इसराइल नवाज मुजाहरे का अहतमाम किया गया। वो मुजाहरीन मैकगिल के रोडिक गेट्स के बाहर खड़े थे, जिन्हें मॉन्ट्रियल पुलिस ने साइकिलों और घोड़ों पर सवार रोक दिया था। मुजाहिरीन ने इजरायली झंडे लहराए और यरगमालियों को रिहा करो और उन्हें अभी घर ले आओ के निशानात उठा रखे थे। उन्होंने इब्रानी में मौसीकी बजाई और कैंपस के सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई, जहां उन्होंने उन खवातीन के इंटरव्यूज चलाए जिन्होंने बताया कि उन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हाथों जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। पुलिस लाइन और कैंप्स की बाढ़ की दूसरी तरफ फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन की एक लाइन, जिनमें से अक्सर वकालत करने वाले ग्रुप इंडिपेंडेंट ज्यूइश वॉइस के अरकान थे, इजरायली बर्बरियत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुंतजमीन ने बार बार लोगों से कहा कि वो कैंप्स के मरकजी वॉकवे पर भीड़ न लगाएं और सड़क से दूर रहें। प्रीमियर डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के उम्मीदवारों ने ओंटेरियो के दोनों ज़मीनी इंतखाबात जीत लिए हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव के उम्मीदवारों ने ओंटेरियो के दोनों ज़मीनी इंतखाबात जीत लिए हैं। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव उम्मीदवार जी हामिद लिबरल डैलन नायडो हैरिस पर 9% पॉइंट्स की बरतरी पर हैं और मिसीसागा के बिल्कुल मगरब में मिल्टन में 90% से ज्यादा पोल्स रिपोर्ट हुए हैं। डग फोर्ड का कहना था कि हम लोगों के बहुत मशहूर हैं, हमारे पास दो अजीम उम्मीदवार हैं, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते और हम ओंटेरियो के लोगों के लिए सख्त मेहनत करते रहेंगे। डग फोर्ड ने कहा कि हामिद कम्युनिटी का हिस्सा है और शहर भर में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। पीसी के साथी उम्मीदवार स्टीव पेंसनॉल्ट ने 56% वोट हासिल किए हैं और 90% पोल्स लिम्पटन कैंट मिडल सेक्स के टोरी के गढ़ में रिपोर्ट हुए हैं। मिल्टन का ओहदा इस वक्त से खाली है, जब फरवरी में काबीना के वजीर पोंगल ने वफाकी कंजर्वेटिव में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था। हामिद जो 3 मुद्दत के लिए मिल्टन काउंसिलर रहे, उन्होंने हाल ही में 2022 में लिबरल्स को अतिया किया और 2015 में फेडरल लिबरल नामजदगी की नाकाम कोशिश की। फोर्ड ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मिल्टन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी और उससे पहले गो ट्रांजिट सर्विस और हाईवे 413
پر اعلانات کے ساتھ، اور اس نے وہاں بہت سے کابینہ کے وزراء اور دیگر کاکس کے ارکان کی رائے شماری کی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں ممکنہ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 17 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ بارش کا 60% امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں ممکنہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 17 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ بارش کا 60% امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق رات کے وقت کم سے کم 13 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارش یا بوندا باندی کی توقع ہے۔ رات بھر بارش کا 60% امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا موسم ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ ہفتے کے روز شہر میں بارش اور منجمد بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 20 اور رات کے اوقات میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 18 اور رات کے اوقات میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ چین، ترکیہ، یو اے ای اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین، ترکیہ، یو اے ای اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ متحدہ عرب امارات میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے دبئی ایئرپورٹ کا فلائٹ شیڈیول بھی متاثر ہوا، جبکہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر کنگ فہد یونیورسٹی کیمپس کی ایک مسجد کی ویڈیو وائرل ہے، جس میں شدید طوفانی بارش کے باعث مسجد کی چھت زمین بوس ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسجد کی چھت کو اسٹیل کی چادروں سے ڈھکا گیا تھا تاکہ اسے مزید وسیع کیا جا سکے، تاہم شدید بارش اور پانی کے باعث اسٹیل کی چادر وزن برداشت نہ کر سکی۔ ادھر ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ شدید بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ بارش کے باعث نظام زندگی متاثر ہوا اور کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ متعدد میٹرو اسٹیشنز میں پانی داخل ہو گیا، جس کے باعث شہر میں میٹرو سروس معطل رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی صوبے گونگ ٹونگ میں شدید بارش ہوئی۔ بارش کے باعث ایکسپریس وے بیٹھنے سے 25 گاڑیاں کھائی میں گر گئیں، جبکہ 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ بارشوں سے حادثات میں 35 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔